It started. नमस्कार, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी से मेरा घनिष्ठ रिश्ता है। डॉक्टर त्रिपाठी, जिनको मैं पंडित जी के नाम से संबोधित करता हूं, एक बहुत ही सभ्य, ज्ञानी और धैर्य वाले व्यक्ति हैं। और मैंने अक्सर सोचा है कि ऐसा क्या है उनके अंदर कि इतनी कम आयु में भी इतनी सूझबूझ के साथ अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं। उनके आचरण से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जिसको मैंने इस प्रकार से पाया है, वह किसी न किसी अंतरात्मा की एक आवाज अपनी होती है, उसके साथ गहरा संबंध रख के जुड़ जाता है, उसमें लीन हो जाता है। पंडित जी के संदर्भ में यह क्या बात है मैं अब समझ चुका हूं, वो कोई ऐसा राज नहीं है। पंडित जी की बड़ी भारी पैठ है, जिसको हम पामिस्ट्री कहते हैं, हस्तरेखा का जो विज्ञान है, मैं इसको विज्ञान मानता हूं। उसका भी मैं कारण बताता हूं। जहां तक पंडित जी की बात है, उनकी कैसी पकड़ है इसके ऊपर, इसके आपको तमाम प्रमाण मिलेंगे। इनके साथ अनेक प्रतिष्ठित, जाने माने, वरिष्ठ, विशिष्ट लोग जुड़े हुए हैं, हर समाज के हर क्षेत्र से, हर पहलू से जुड़े हुए हैं, हर एक की वो सहायता करते हैं। तो एक पहचान तो यही होगी, इनको हर प्रकार से सम्मान मिला है, कई सरकारों से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और तमाम जगह से, यह भी एक पहचान है। लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैंने जो अपनी उनके बारे में पहचान बनाई है, जो उनकी पहचान मेरे अंदर उतरी हुई है, उसका मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। मैं गणितज्ञ हूं और हम गणितज्ञ किसी भी चीज को बिना तर्क की कसौटी पे परख के नहीं अपनाते हैं, हम उससे दूर रहते हैं। पंडित जी से जब मेरा पहला परिचय हुआ तो मुझे लोगों ने बताया कि इनकी बहुत भारी पैठ है पामिस्ट्री पे, तो मैंने सोचा तमाम लोग आते हैं जाते हैं, ये भी उन्हीं में से होंगे, कुछ हमसे मांगेंगे, कुछ दिखा के बता भी देंगे। लेकिन पंडित जी तो उससे एकदम परे निकले। पहली चीज कि उन्होंने कहीं अहंकार की मुझे लेश मात्र भी कोई अहंकार का संकेत नहीं दिया। अहंकार विहीन है, निष्ठा से जुड़े हुए हैं अपनी विद्या से, और मेरे साथ जब बैठे तो सहज भाव से बैठे, इतनी बढ़िया बातचीत हुई हमारी। और मैंने देखा कि पंडित जी की सोच एक गणितज्ञ के बराबर है, बिल्कुल गणितज्ञ की तरह। कैसे, इसका भी मैं आपको प्रमाण देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप कभी भी भविष्य को लेकर किसी प्रकार से जुड़ते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि नहीं, तो अगर आप अपने से अब पूछेंगे ये सवाल, तो मेरा अनुमान है कि आप कहेंगे नहीं, मेरा भविष्य से लेना देना इस प्रकार से नहीं है कि मैं उसको लेकर बता सकूं क्या होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम में से हर एक व्यक्ति एक न एक रूप से भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता थोड़ी बहुत रखता है। अगर आपको, आप मान लीजिए 6 मंजिला मकान में हैं और आपसे कोई मित्र मिलने आने वाला है, उसने सूचना दे दी आपको कि वो आने वाला है, तो आप जो है जानते हैं कि वो 6 बजे आएगा। उसने सूचना कैसे दी, या तो ईमेल से, या व्हाट्सएप से, या फोन से, और अब वो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो 6 बजे आएगा मिलने। हो सकता है ना आए। ईश्वर के अलावा इस प्रकार का जिसको 100% एक्यूरेसी से कोई कह दे, ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसका दावा पंडित जी भी नहीं करते। संभावनाएं उनकी बड़ी गहरी होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है जब पंडित जी कोई चीज बताते हैं। जैसे कि अगर आपसे 10 लोग 10 दिन में कहें कि मैं 6 बजे 5 बजे 3 बजे मिलने आ रहा हूं, तय हो जाए, अपॉइंटमेंट हो जाए, उसके बाद आप भविष्यवाणी के रूप में कह सकते हैं कि फलाना उस दिन मुझसे इतने बजे मिलने आएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो हो सकता है उन 10 में से 2-3 न पहुंच पाए।
लेकिन अधिकांश तो आएंगे ना, उसी को मैं कहता हूं संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई हो जाती है। अब ये तो हमने एक साधन के माध्यम से कि उसने व्हाट्सएप पे कहा, मेरी बातचीत हो गई, तय हो गया। थोड़ा एक स्तर और ऊपर आप जाइए, अगर आप कभी कार से यात्रा करते हैं आजकल के दौर में, तो चूंकि ट्रैफिक इतनी रहती है, हम सब जानना चाहते हैं कि रास्ता कौन सा अच्छा है, खुला है, कितनी ट्रैफिक मिलेगी, कितने देर में पहुंचेंगे। लगभग हम में से हर एक व्यक्ति गूगल मैप खोलता है। गूगल मैप भी तो भविष्यवाणी ही कर रहा है। वो क्या करता है, वो देखता है ट्रैफिक को सैटेलाइट के सिग्नल से, किस सड़क पे कितनी ट्रैफिक, किस गति से चल रही, क्या रफ्तार है, और उसके आधार पर वो भविष्यवाणी करता है कि आप यहां से वहां इतने समय में पहुंच जाइएगा, इतनी ट्रैफिक मिलेगी, ये होगा। ये जो मैंने बताया भविष्यवाणी के दो उदाहरण आपके सामान्य जीवन में है, ये सार्वजनिक रूप से सब कोई जानता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। यह भी एक विद्या है, इसके पीछे भारी विज्ञान है, भारी टेक्नोलॉजी है, डेटा के आधार पर है। 10 लोग आपको कर रहे हैं कि मिलने आएंगे, आपको व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है, 10 में से 8 पहुंच जाते हैं। गूगल मैप भी कहता है कि आप इतनी देर में इस सड़क से जाइए, ट्रैफिक नहीं मिलेगी और अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी कभी वो भी गड़बड़ हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था ना, ईश्वर के अलावा कोई भी शत प्रतिशत एकदम एक्यूरेट भविष्यवाणी नहीं करेगा, लेकिन संभावनाएं बड़ी ऊंची होती है। इस संदर्भ में मैंने देखा है कि हस्तरेखा का जो इसका विज्ञान है, इसके पीछे जो जुड़ी बातें हैं, उसका पंडित जी ने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। उस अध्ययन के साथ साथ पंडित जी ने इसको डेटा के साथ जोड़ा है। जैसे गूगल मैप डेटा से जुड़ा है, उसी तरह से पंडित जी ने बिना ये सब जाने कि गूगल मैप कैसे चलता है, क्योंकि उनकी सोच गणितज्ञ की तरह है, डेटा से अपनी बातों को खूब अच्छी तरह से उसका पुष्टिकरण किया है, वेरिफिकेशन किया है। और मैं जुड़ा हूं उनके साथ इसीलिए कि मैं गणितज्ञ हूं और मैं जानना चाहता हूं कि वाकई क्या यह एक प्रकार से डेटा ड्रिवन साइंस है। एकदम डेटा ड्रिवन है, लेकिन पंडित जी के पास दिव्य शक्ति भी है। उसका भी मैं एक आपको उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे, और फिर पंडित जी का क्या इसके बारे में क्या पकड़ है उसका प्रमाण दूंगा। देखिए, मैं गणितज्ञ हूं, मैं जिस क्षेत्र में रिसर्च करता हूं, शोध कार्य करता हूं गणित के, अक्सर उसमें मेरे पास मेरे शोध कार्य के छात्र आते हैं बातचीत करने। कई बार ऐसा होता है कि जब वो कुछ मुझे दिखाते हैं, मैं देखते ही कह देता हूं कि इसका ये परिणाम होगा, इसका ये समाधान होगा, इस तरह से इसका विकल्प निकाल लो। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपको देखते ही कैसे पता चल के हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए कि मैंने उसमें खूब अध्ययन किया है, उसके अंदर मैं समाया हूं, गणित मुझे प्रिय है, मेरे अंतरात्मा की आवाज गणित से ही जुड़ी है, तो मैं ये कर लेता हूं एक हद तक। रामानुजन तो हमारे ईश्वर थे, वो तो गणित के प्रश्न देखते थे, देखते ही उनको दिख जाता था सिद्ध व्यक्ति थे, हमारे लिए तो देवता थे, वो तो ऊंचे स्तर पे थे। इसी तरह पंडित जी की पकड़ अपने विज्ञान से इतनी अच्छी है कि जब वो किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो उनको दैविक शक्ति आती है, दिव्य दृष्टि एक प्रकार से होती है, और उनको बहुत कुछ दिखने लगता है। आप हाथ कभी दिखा के भी देखिए, बिना हाथ के भी कभी कभी पंडित जी को कुछ दिख जाता है, जैसे हम गणित के प्रश्न को बिना उसके पीछे क्या गणित है देखते ही समझ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पंडित जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन यात्रा में पंडित जी का साथ है, और मेरे छोटे भाई की तरह है, और मैं मानता हूं कि जो पंडित जी इस समय हमें बताने वाले हैं, इससे हम सबका लाभ होगा। इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए, अंधविश्वास के दृष्टिकोण से नहीं। यहां कोई जादू टोना नहीं है, और पंडित जी कभी किसी को गुमराह नहीं करते। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद, नमस्कार।